नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे और स्वस्थ भी होंगे। तो दोस्तों आज का हमारा विषय है ब्रूसेलोसिस, जो शायद एक फैलने वाली बीमारी है। तो क्या ये सच में फैलने वाली बीमारी है या नहीं? डॉक्टर सबसे पहले तो हमें ये जो बीमारी है ब्रूसेलोसिस इसके बारे में कुछ बताएं हमें। ये जो बीमारी है ब्रूसेलोसिस, ये एक ब्रूसेला ग्राम नेगेटिव फैकल्टेटिव बैक्टीरिया है। सो इसके द्वारा ये कॉज होती है। सो मेनली ये बीमारी जो है जानवरों में, वेटनरी जो पेट्स वगैरह या दूसरे जानवर हैं उनमें पाई जाती है, और ह्यूमन बीइंग्स में जानवरों से आती है। सो मेन जो इसका ट्रांसमिशन है, जो साइकिल है, वो उसमें चलता है जानवरों में, जैसे कि और कोई जूनोटिक डिजीज में होता है, ह्यूमन बीइंग्स में ये ट्रांसमिट हो जाती है थ्रू द एनिमल्स। सो ये ऑर्गेनिज्म इसका जो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहा जाता है, जिसको हम ब्रूसेला बोलते हैं। इसके अलग अलग स्पेशीज हैं, इसमें काफी नाम है, जैसे ब्रूसेलोसिस अबॉटस, मेलिटेनेसिस, सुइस, कैनिस, एविस, ये काफी सारे इसके स्पेशीज है ब्रूसेला के। सो इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं कि ये किस एनवायरनमेंट में परसिस्ट करता है, किस टेम्परेचर में प्रोसेस्ट करता है, ये सारे फैक्टर्स जो है ये सारे कंबाइंड फैक्टर डिटरमिन करते हैं कि ये कैसे ट्रांसमिट होगी। जी, तो ये एक जानवरों को होने वाली बीमारी है और ये ह्यूमंस में जानवरों के थ्रू ही आती है। तो सर जैसे आपने बोला कि जानवरों को होने वाली है और ह्यूमंस में वैसे ही आती है, तो इसके और कुछ कॉजेज भी हैं और कुछ कारण भी है ब्रूसेलोसिस के? नहीं, ये जानवरों से जो ह्यूमन बींग्स में आती है वो कैसे आएगी कि अगर जानवर इन्फेक्टेड है, ह्यूमन बींग्स उनको अगर टच करते हैं या कोई ईटिंग इन्वॉल्व है, ड्रिंकिंग ब्रीदिंग ऑफ ब्रूसेला बैक्टीरिया है, तो ये ह्यूमन बींग्स में आ जाएगी। सो हम ये कह सकते हैं कि किसी इन्फेक्टेड एनिमल के हेयर्स को हम टच करते हैं, या फिर रॉ या अनपेस्चुराइज्ड मिल्क हम ड्रिंक कर लेते हैं, या कुछ ऐसे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जो अनपेस्चुराइज्ड हैं और इन्फेक्टेड एनिमल से आए हैं जिनको ब्रूसेलोसिस हुआ पड़ा है, उनसे आ जाएगा, या डायरेक्टली ब्रूसेलोसिस हम ब्रीद इन करते हैं तब भी हो सकती है, ये फार्मर्स या मीट वर्कर्स वगैरह में। तो ये एक अनपेस्चराइज्ड मिल्क, जिसको हम आम भाषा में कहेंगे तो बिना उबाला हुआ दूध, अगर हम उबाल के पीते हैं, कहा जाता है कि उसकी सारी इंप्योरिटीज। पेस्चराइजेशन एक स्पेशलाइज्ड प्रोसेस है जिसमें पैथोजेनिक बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय किया जाता है हीटिंग ऑफ द लिक्विड या फूड के द्वारा, उसका एक खास टेम्परेचर वगैरह होता है। सो आप ये सोच लीजिए कि कोई, जिसको हम कहते हैं ये दुधारी जानवर है जो दूध देता है, और वो इन्फेक्टेड हो गया इससे ब्रूसेलोसिस से, उसका हम डायरेक्ट ही दूध पी लेते हैं, कि कई लोग गांव में भी करते हैं ऐसे कच्चा दूध उसका सीधा ही विदाउट इवन बॉइलिंग, ये सारा कुछ। अगर वो जानवर इन्फेक्टेड है तो ये आप में इन्फेक्शन आने के चांसेस पूरे हैं। तो जरूरी है कि जब भी हम दूध पिए तो उसको हीट करें प्रॉपर टेम्परेचर पे, या उबालें, जिसको आम भाषा में कहेंगे। ये चांस की बात है कि ब्रूसेलोसिस उस एनिमल को है कि नहीं, बट वी शुड नॉट टेक द रिस्क कि हम कितने भी, अगर शहर में हम कितने प्रोडक्ट्स देखते हैं, सब पे लिखा होता है पैस्चराइज्ड डेयरी प्रोडक्ट है, पैस्चराइज्ड मिल्क है, तो ये एक प्रोसेस है पैथोजेनिक या डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया को मारने के लिए। तो जरूरी है, हमने रिस्क नहीं लेना, हमें नहीं पता किस जानवर को ये बीमारी हो सकती है, पर जरूरी है हम दूध कभी भी कच्चा ना पिए, हमेशा उबाल के पिए। और जो मीट है, मीट का भी डॉक्टर ने बताया कि एनिमल्स को टच मत करें, अगर आप मीट के आसपास इन्फेक्टेड एनिमल्स हैं तो, इन्फेक्टेड एनिमल्स हैं तो, और मीट का भी थोड़ा ध्यान रखें, कच्चा अगर हम मीट खाते हैं तो उसका भी ध्यान रखें, अंडर कुक्ड वगैरह मीट जो ना, क्योंकि हमें या तो हम श्योर शॉट हों कि ये इन्फेक्टेड जानवर नहीं है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। तो इसके लिए वेटनरी या तुम ऐसी फॉर्म से या ऐसी डेयरी फॉर्म से ये प्रोडक्ट्स लीजिए जहाँ पे आपको क्वालिटी की अश्योरेंस। डॉक्टर, अब किन किन लोगों में ये बीमारी होने का, ब्रूसेलोसिस होने का ज़्यादा रिस्क होता है? जी, ये आपने सही क्वेश्चन पूछा कि ये किन किन लोगों में इनका रिस्क है। तो इसमें हमारे जो एनिमल के साथ डील करते हैं, वेटनरी के लोग हो गए, फार्मिंग के कुछ लोग हो गए, या कुछ जो उनके क्लीनिंग वगैरह में या कुछ ऐसी प्रोसेसेस में, लेदर इंडस्ट्री के या कुछ ऐसे जो एनिमल्स की डायरेक्ट हैंडलिंग करते हैं। सो एनिमल हैंडलर्स आर दी मोस्ट susceptible risk groups for this disease. सर, कहा जाता है जो लोग जहाँ पे डेयरी है, जहाँ पे जानवर रखे जाते हैं, जो आसपास भी रहते हैं, वो भी इफेक्टेड हो सकते हैं ना इससे? हाँ जी, जानवरों में तो एक दूसरे से ट्रांसमिट होगी
तो अगर जानवरों में से कुछ जानवर अनडायग्नोस्ड है और कुछ वो रह गए हैं बीच में और इन्फेक्टेड एनिमल्स भी बीच में घूम रहे हैं, तो कितने जानवर इन्फेक्ट हो जाएंगे, दैट इज द प्रॉब्लम। सो ये ह्यूमन बॉडी में भी ट्रांसमिट उसी तरह से होता है? हाँ, ये इफ दे आर एक्सपोज्ड टू बाय टचिंग द हेयर स्किन और मीट ऑफ एन इन्फेक्टेड एनिमल, या रॉ जो अनपेस्टराइज्ड मिल्क पी लेते हैं, या रॉ मिल्क प्रोडक्ट्स खा लेते हैं, या डायरेक्ट कोई इन्फेक्टेड एनिमल्स का कंटेमिनेटेड एयर है वो इनहेल कर लेते हैं, मतलब जो भी डॉक्टर ने बैक्टीरिया इनहेल कर लेंगे। इन्फेक्टेड एनिमल्स का स्रोत मेन है। इन्फेक्टेड एनिमल्स का हम अगर डेयरी प्रोडक्ट्स ले लेते हैं या मीट खा लेते हैं, तो उससे जो हमारी ह्यूमन बॉडी में वो इन्फेक्टेड एनिमल्स का जो ब्रुसोलिस होता है, हम भी इन्फेक्ट हो सकते हैं उससे। तो डॉक्टर, ये एनिमल टू एनिमल तो हो गया, एनिमल टू ह्यूमन भी हो गया, क्या ये ह्यूमन टू ह्यूमन भी ट्रांसमिट हो सकता है, कम्युनिकेबल है ये? नहीं, ऐसा सच नहीं है कि एक ह्यूमन बींग से दूसरे ह्यूमन बींग में होगा, बट अगर हमने ये पाया गया है कि अगर ये ब्रेस्ट मिल्क में सिक्रीट हो सकता है, प्लेसेंटा के थ्रू ट्रांसमिट कर सकता है, सो एक कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं कंजेनिटल ब्रुसेलोसिस, जिसमें ये नवजात जो शिशु है उसमें ये बीमारी अपनी जो माँ थी प्रेगनेंसी के दौरान इफेक्टेड थी उससे आ जाती है। सो इसकी इस तरह की ट्रांसमिशन है, नॉट कि अदरवाइज कि एक आदमी दूसरे आदमी को फैला रहा है। तो ये सिक्रीशंस जो होते हैं वो ट्रांसमिट कर सकते हैं थ्रू द विद इन द बॉडी। तो एक माँ से अगर जो नया बच्चा है, नवजात बच्चा है, अगर वो अपनी माँ का दूध पीता है, अगर उसका दूध इन्फेक्टेड है या माँ इन्फेक्टेड है, तो उसमें पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है, तो उस चीज़ का खास ध्यान रखना पड़ेगा। जो ब्रेस्ट फीड करती हैं औरतें, जिनने अभी अभी बच्चों को जन्म दिया है, या जो ब्रेस्ट फीड करती हैं औरतें, वो इस बीमारी का खास ध्यान रखें, और ब्रेक के बाद भी हम इसके साइंस और सिम्टम्स के बारे में बात करने वाले हैं, उसका भी खास ध्यान रखें। तो अब हम जानते हैं इसके लक्षण क्या है, साइंस और सिम्टम्स क्या है, जिससे हम पहचान सके कि हम इस बीमारी से इफेक्टेड हैं। तो डॉक्टर, इसके बारे में बताएं। सो इसमें मुख्य जो साइन है जो सभी पेशेंट्स में, ह्यूमन बींग्स में मिलेगा, वो इसको हम एक एंटाइटी होती है, उसको कहते हैं अनडुलेंट फीवर, जो कि एक इंटरमिटेंट या इरेगुलर फीवर होता है और उसकी ड्यूरेशन भी वेरी करती है। तो इसमें एक एक्यूट फॉर्म होती है जिसमें लेस देन 8 वीक्स इलनेस की ऑनसेट पाई जाती है। तो इसमें फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि फीवर आ गया बीच में, जैसे शरीर टूटना, भूख ना लगना, सर दर्द होना, माइल्जिया मीन्स मस्कुलर पेन, बैक पेन, और काफ़ी सारा पसीना आ जाता है नाइट पे। इसके अलावा स्प्लीन की इनलार्जमेंट हो सकती है, लीवर की इनलार्जमेंट हो सकती है, और चेस्ट पेन इस तरह की होगी कि तुम खांसोगे तो इस हिस्से में, चेस्ट के हिस्से में पेन होगी उस टाइम पे। सो इसके कुछ ये साइंस हैं। इसके अलावा इसके GIT जैसे कि अब्डोमन के लिए कोई सिम्टम्स है जिसमें वॉमिटिंग, डायरिया या कंस्टिपेशन, ये सब मौजूद है। सो इसका ब्रॉड स्पेक्ट्रम है काफ़ी सारा जो डिजीज के क्लिनिकल साइंस का। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि ये इसके सिम्टम्स बीच में रिमिट कर जाते हैं, 2 से 14 दिन के इंटरवल में ये थोड़ा सबसाइड करने शुरू हो जाते हैं। सो इसलिए इसका नाम अंडुलेंट फीवर है, कि आता है फीवर, जाता है, फिर आ जाता है, तो एक इस तरह का इसका नाम पड़ा हुआ है। और कुछ लोग हमेशा क्रॉनिकली इल बन जाते हैं, जैसे उनको काफ़ी देर तक ये फीवर चलता रहता है आफ्टर इनिशियल जो अटैक है उसके बाद। सो इसकी डायग्नोसिस, प्रॉपर लैब कन्फर्मेशन या डायग्नोसिस ही इसकी हमें तय तक ले जा सकेगा कि ये बीमारी है क्या। तो मतलब इरेगुलर फीवर होता है, मतलब ये नहीं कि प्रॉपर एक बार ही हुआ तो दोबारा हो सकता है। हाँ, कभी हो गया, रिमिट कभी कर नहीं जाता गया। है, फिर गैप आता है, रिमिट कर जाता है, और इसके साथ ये इतने सारे जो साइन सिम्टम मैंने बताया। तो डॉक्टर, अब जैसे आपने बताया कि डायग्नोसिस के बारे में आपने थोड़ी सी बात की, टेस्ट, तो इसका डायग्नोसिस किस प्रकार से किया जाता है, टेस्ट वगैरह क्या होते हैं? सो इसके जो हम टेस्ट की बात करते हैं, तो इसमें जो मेन टेस्ट है कल्चर या सीरोलॉजी के टेस्ट होते हैं। सो पर आज की डेट में जो PCR जो टेस्ट है, PCR टेक्निक से जो हायर हॉस्पिटल्स में, टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स में भी मिलता है, वो बेटर टेक्निक है। सो के अलावा ये जो हम टेस्ट करवाते हैं, इससे हमारा एक प्रॉपर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चालू हो जाता है कि हमने क्या ड्रग्स देने हैं इसके लिए। मेनली एंटीबायोटिक ही मेन स्टे इस ट्रीटमेंट के लिए। तो 2 तरह के टेस्ट होते हैं इस बीमारी को पहचानने के लिए। तो डॉक्टर, इसके साथ एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स, कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं? जी, कॉम्प्लिकेशंस है, पर लेकिन इसकी परसेंटेज कम है। बट जो तुम्हारी अंडुलेंट और क्रॉनिक फॉर्म्स है उसमें कॉम्प्लिकेशन जो पाई जाती हैं, उसमें आर्थराइटिस हो सकता है, स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है, और एक कंडीशन है एपिडिडिमो ऑर्काइटिस, इसका मतलब है कि तुम्हारे टेस्टिस की जो हैंग हो रही है तुम्हारे सैक में, वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाना कुछ रीजन पे,
और इस तरह क्रॉनिक फैटीग हो जाना, इस तरह कुछ नर्वस सिस्टम के साइंस भी होते हैं कुछ 5% ऑफ केसेस में। सो इसमें पर्सनैलिटी चेंज होगा, मेनिनजाइटिस की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, एनकेफलाइटिस हो सकता है, इस तरह आईज के रिलेटेड कुछ सिम्टम्स हैं। हालांकि इनकी परसेंटेज कम है बट दे आर देयर, यूवेटिस हो सकता है, ऑप्टिक न्यूराइटिस हो सकता है, ये कुछ कॉम्प्लिकेशन है। जो सबसे ज़्यादा सीरियस है उनमें से एंडोकार्डाइटिस, कि हार्ट के कुछ एक लेयर की अफेक्शन हो जाती है जिससे डेथ हो सकती है इन फेटल केसेस। दो फेटलिटी रेट इज़ वेरी लो। सो काफ़ी सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, इवन कई बार एब्सेस भी हो सकता है इंटरनल ऑर्गन्स में। सो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस आर पॉसिबल एंड डू अकर इन लेस परसेंटेज, 5% 10% इतने परसेंट ऑफ केसेस। मतलब कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम हैं पर हैं। जी तो अब हम जानते हैं कि इसका इलाज किस प्रकार से किया जाता है। जी जो मेन स्टे ऑफ द ट्रीटमेंट है वो एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट ही है। मेनली हम डॉक्सीसाइक्लिन वगैरह देते हैं बट इसमें डॉक्सीसाइक्लिन का प्रेग्नेंट लेडीज़ में ख्याल रखना पड़ेगा। सो डॉक्टर को उसका एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट करवा के और जो उसको सूटेबल है वो वाली अल्टरनेट एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी। इसके अलावा जो हमने कॉम्प्लिकेशंस की एक बात की, अगर एक बार कॉम्प्लिकेशंस की ऑनसेट हो जाए तो वो कॉम्प्लिकेशंस को स्पेशलिस्ट अपने हिसाब से ट्रीट करेंगे, जैसे कि मेनिनजाइटिस वगैरह या कुछ ऐसी एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशन आती है तो उनका एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल जो है वो वही चलेगा। मतलब एंटीबायोटिक से ये ठीक किया जाता है, तो सर्जरी तक तो ये नहीं जाता कि ऑपरेशन भी करना पड़े। जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है जो मैंने इतनी सारी आपको बताई थी, मेनिनजाइटिस हो गया, एंडोकार्डाइटिस हो गया, उसमें एंटीबायोटिक्स प्लस सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। सो दैट इज रेयर बट एक पॉसिबिलिटी है। मतलब जो कॉमन हमारा ट्रीटमेंट है उसमें एंटीबायोटिक्स मेन स्टे ऑफ द, बट प्रेग्नेंट लेडीज में कौन सी एंटीबायोटिक, जो पर मेनली कुछ डॉक्टर्स डॉक्सीसाइक्लिन यूज करते हैं तो प्रेग्नेंट लेडीज में उसका ध्यान रखना पड़ेगा डॉक्सीसाइक्लिन का। और एंटीबायोटिक ऑफ चॉइस चाहे कोई भी हो पर प्रेग्नेंट लेडी के लिए वो फीटस के लिए सेफ होनी चाहिए। तो अगर आप एंटीबायोटिक्स खा भी रहे हैं, अगर आप प्रेग्नेंट है या आपका कोई भी जान पहचान में प्रेग्नेंट है, तो आप ध्यान रखिए कि वो सेम एंटीबायोटिक्स ना ले जैसी आप ले रहे हैं और वो टेस्टेड और सेफ हो वो एंटीबायोटिक्स। हाँ, उस लेडी के लिए, उस लेडी वो डॉक्टर वो एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट करवाएगा और उसके बाद वो डिटरमिन करेगा। तो इसके प्रिवेंशन के बारे में भी कुछ बताया कि प्रिवेंट ही कैसे कर ले, क्योंकि इसके जो कॉज है वो अनपास्टराइज मिल्क या एनिमल है, वो प्रिवेंट हो सकता है, तो उसके प्रिवेंशन के बारे में बताएं। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि इस बीमारी के जो रिस्क ग्रुप्स हैं उनमें फार्मर्स आते हैं, बूचर्स आते हैं, हंटर्स आते हैं या वेटनरी स्टाफ आता है। सो मेनली हमारा जो प्रिवेंशन है इनके ऊपर ही डायरेक्टेड है। इसमें हम इनको हमें इतना बता सकते हैं कि अपना रिस्क जो हमने लोअर करना है ब्रुसेलोसिस के हम पीड़ित ना हो, तो उसके लिए हमें अवॉइड करें ईटिंग और ड्रिंकिंग अनपेस्चराइज्ड मिल्क, चीज़ और इवन आइसक्रीम ऑल्सो। सो हमें वो लेबल को जान लेना चाहिए कि वहाँ पे लिखा हुआ पेस्चराइज्ड एंड डोंट ईट इफ़ यू आर नॉट श्योर। सो ये हमारी कॉमन हिदायत है। और डू नॉट हैंडल सिक और डेड एनिमल बॉडीज। अगर आपने करना भी है जिनका ये पेशा है, देन यू मस्ट यूज ग्लव्स प्लस फेस एंड आई प्रोटेक्शन, कोई ऐसा म्यूकस मेम्ब्रेन्स के थ्रू ये बैक्टीरिया एंटर ना हो जाए। इसी तरह कुक द मीट थॉरली, कोई भी अगर मीट ले रहे हो सेवन कर रहे हो आपको थॉरली कुक करके खाना चाहिए। सो आपको इसके अलावा आपको हैंड हाइजीन को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, जैसे कि अपने हैंड वॉश रेगुलरली कीजिए और अवॉइड टचिंग योर आईज नोज एंड माउथ। ये मैं इन स्पेशलाइज्ड ग्रुप्स के लिए कह रहा हूँ, फार्मर्स बुचर्स हंटर एंड वेटनरी स्टाफ के लिए जो नॉर्मली एनिमल्स को हैंडल कर रहे हैं। तो ये तो थी प्रिवेंशन की बात जो बहुत ही आसान है, अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आसानी से इस बीमारी को बचा सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। तो डॉक्टर जाते जाते हमारे लिसनर्स के लिए एक फाइनल मैसेज। फाइनल मैसेज यही है कि हालांकि हाई रिस्क ग्रुप्स इसमें एनिमल हैंडलर्स वगैरह हैं, हमें एज ए कॉमन पीपल हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह ले रहे हैं वो पेस्चराइज्ड ही हो, पेस्चराइज्ड मिल्क ही लें। ये हम इसको हम ये अगर हम इसको स्ट्रेस करेंगे तभी हमें बच्चों को या हमें सभी को आदत पड़ेगी कि जी हम लेबल चेक करें कि इस पर पेस्चराइज्ड डेयरी प्रोडक्ट लिखा हुआ कि नहीं। इस तरह जो हाफ कुक्ड या ऐसा मीट मत खाइए, उसका सेवन मत कीजिए, इट शुड बी थॉरली कुक्ड जिससे ब्रुसेला का बैक्टीरिया अगर पॉसिबिलिटी है कोई। हमें कई बार हम मीट का सोर्स हमें पता नहीं है वो कहाँ से आया है, रॉक खाने की तो बिल्कुल सवाल ही नहीं पैदा होता। सो दीज आर द मिनिमम प्रिकॉशंस व्हिच वी कैन आल्सो टेक। डॉक्टर आप हमारे लिए टाइम निकाल कर आए और इतनी अच्छी जानकारी दी, इतनी इन्फॉर्मेटिव लोगों के लिए, उसके लिए बहुत शुक्रिया। ओके थैंक यू।